नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। आज टाटा स्टील में 20% का अपर सर्किट लग गया। आप भी सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ अचानक इस कंपनी में 20% का अपर सर्किट लग गया। मंगलवार को ये शेयर, टाटा स्टील के शेयर 273 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहे थे, यानी कि बंद हुए थे उसी पे। और फिर बुधवार को शेयर 275 रुपये खुला और सीधा इसके बाद 327 रुपये पर लॉक हो गया। पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि टीआरएफ की तरफ से अब ये खबर आई है कि टाटा स्टील और टीआरएफ के बीच में जो मर्जर होने वाला था वो अब नहीं होगा। टीआरएफ ने इस प्रस्तावित मर्जर से हटने का फैसला किया है। टीआरएफ का कहना ये है कि पिछली कुछ तिमाहियों में उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं और फिलहाल उसे मर्जर की आवश्यकता नहीं लगती। अब टाटा स्टील के बोर्ड ने टीआरएफ के इस फैसले को मान लिया है, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा कि इसके लिए उसे एनसीएलटी में एक याचिका दाखिल करनी होगी, जिस पर अब कल एनसीएलटी में चूंकि ये मामला गया है तो अब टाटा स्टील की 8 फरवरी यानी कल एक बैठक होगी जिसमें टीआरएफ के फैसले पर मोहर लग जाएगी और टीआरएफ को ये मंजूरी दे दी जाएगी कि आप मर्जर से पीछे हट सकते हैं। अब दरअसल क्या मामला था? मामला ये था, बैकग्राउंड ये भी था कि टाटा स्टील ने हाल ही में सितंबर 2022 में फैसला किया था कि जितनी भी मेटल कंपनी है टाटा ग्रुप की, जिसमें टाटा लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स, टिन प्लेट्स, टाटा मेटेलिक्स, टीआरएफ और दो ऐसी कंपनियां जो भी लिस्ट नहीं हुई हैं, उनको टाटा स्टील में मर्जर किया जाएगा। कंपनी एक मर्जर करना चाहती थी और इस मर्जर के हिसाब से टीआरएफ के को प्रत्येक 10 शेयरों के लिए टाटा स्टील के 7 शेयर मिलने थे, लेकिन अब कंपनी को लगता है कि मर्जर से बेहतर है कि टीआरएफ में ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग होगी अगर वो टाटा स्टील के साथ मर्जर नहीं करेगी। तो कुल मिला के जब ये खबर आई कि अब टीआरएफ और टाटा स्टील का मर्जर नहीं होगा, उसके बाद टाटा स्टील में 20% का अपर सर्किट लग गया। और यही वजह रही कि आज बुधवार को शुरुआती ट्रेड में ही जो ये स्टॉक्स था 327 रुपये पर लॉक हो गया। तो ये था टाटा स्टील पर एक बड़ा अपडेट। बाकी बिजनेस खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार।